दोस्त, आज का सवाल यह है कि कोई भी खातून आंटी के नाम से क्यों चिढ़ती है? आंटी के नाम से यूँ चिढ़ती होंगी। एक दफ़ा वाकया है कि मैं बाइक पर जा रहा था तो उनको मैंने बोला, आंटी 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 आपका बाया लटक रहा है। रुको जरा, सबर करो। जब उनको मैंने बोला बेबी अपना बाया उठा लें, फिर उन्होंने देखा, वो एकदम से हैरान हो गई। अब आंटी बोल रहा तो नहीं सुन रही, बेबी बोला तो उन्होंने फौरन सुन लिया। बड़ा हरामी हो। दोस्त मुझे बताएं, कोई भी खातून आंटी के नाम से क्यों चिढ़ती है? असल में उनको एतराज़ ये होता है कि उनको मतलब मजबूरी होती है कि हमारे को आंटी कहा क्यों कहा जा रहा है, मतलब ना अगर उनको और कोई मतलब बाजी बोल दें, आपा बोल दें, कुछ और लफ्ज़ बोलें तो उनको फिर भी उनको चिढ़ होती है। एक नफ्सियात कह लो उनको औरत जात की, के इस तरह उनको बुरा लग जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्त आज का सवाल ये है कि कोई भी खातून आंटी के नाम से क्यों चिढ़ती है? हर खातून ये है कि अपनी उम्र बचाना चाहती है सर, चाहे वो 40 साल की भी हो तो बोलेंगी मैं तो 20 साल की आंटी हूँ। मज़ा आया। दोस्त मुझे एक बात बताएं, कोई भी खातून आंटी के नाम से क्यों चिढ़ती है? चलो भाई। भाईजान मसला ऐसा है सीधा सीधा कि आप किसी लड़के से उसकी तनख्वाह पूछ लें या किसी खातून को क्या बोलते हैं आंटी बोलें, मार पड़ेगी। ये सवाल नहीं करना चाहिए बंदे को। अच्छा, हमको सिखा रहा है यार। ये हर खातून जो है आंटी सुनने के बाद नाराज क्यों हो जाती हैं? सर बेसिकली मसला ये है कि वो सामने वाले को अपने से बड़ा और ख़ुद को उससे छोटा समझती हैं, मतलब उनकी नज़र में वो कभी भी 16 साल से ज़्यादा की नहीं होती, तो वो आंटी आप बोलते हैं तो उनको बुरा लग जाता है। ऐसा हादसा जो आपको याद हो? ये था कि हम जा रहे थे तो एक एड्रेस पूछा था हमारे को, तो मैंने वहाँ से एक जा रही थी लड़की, तो मैंने उनको बोला आंटी रास्ता किधर है, उन्होंने बोला बेटा मैं तेरे को एड्रेस तो बता दूंगी लेकिन तूने आंटी क्यों बोला मुझे, आंटी किसको बोला? मैंने आपको आंटी तो क्या बोलूँगा, लड़की बोलूँ? अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम।